जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भृगुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य पुरुष की प्राप्ति बतलाकर उसका स्वरूप बतलाते हैं और स्वरूप बतलाकर साधन की विधि और फल बतलाते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्य पुरुष के स्वरूप की। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस धर्म यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी प्रत्येक नवीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। परम दिव्य पुरुष के स्वरूप का महत्व प्रतिपादन करते हुए श्री भगवान कहते हैं कि वह परमात्मा सदा सब कुछ जानता है, भूत वर्तमान और भविष्य की, स्थूल सूक्ष्म और कारण, किसी भी जगत की ऐसी कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बात नहीं जिसको वह यथार्थ रूप से ना जानता हो। इसलिए वह सर्वत्र है, वह सबका अनादि है, उससे पहले ना कोई हुआ था और ना उसका कोई कारण ही है। वही सबका कारण और वही सबसे पुरातन है, इसलिए वह सनातन है, वह सबका स्वामी है, सर्वशक्तिमान है और सर्वांतरयामी है। वही सबका नियंत्रण करता है और वही सबके शुभ अशुभ कर्म फलों का यथा योग्य विभाग करता है। इसलिए वह सबका नियंता अनुशासी तारम है। इतना शक्तिशाली होने पर भी वह अत्यंत ही सूक्ष्म है। जितने भी सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं वह उन सबसे बढ़कर सूक्ष्म है और सब में सदा सर्वदा व्याप्त रहता है। इसी कारण सूक्ष्म दर्शी पुरुषों की सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि ही उसका अनुभव करती है, इसलिए वह सूक्ष्मतम है। इतना सूक्ष्म होने पर भी समस्त विश्व ब्रह्मांड का आधार वही है, वही सबका धारण पालन और पोषण करता है, इसलिए वह धाता है। सदा सब में व्याप्त और सबके धारण पोषण में लगे रहने पर भी वह सबसे इतना परे और इतना अतींद्रिय है कि मन के द्वारा उसके यथार्थ स्वरूप का चिंतन ही नहीं किया जा सकता। मन और बुद्धि में जो चिंतन और विचार करने की शक्ति आती है उसका मूल स्रोत वही है, ये उसी की जीवन धारा को लेकर जीवित और कार्यशील रहते हैं। वह निरंतर इनको और सबको देखता है तथा इनमें सर्वशक्ति संचार करता है, किंतु ये उसको नहीं देख पाते, इसलिए वह अचिंत्य स्वरूप है। अचिंत्य होने पर भी वह प्रकाशमय है और सदा सर्वदा सबको प्रकाश देता रहता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है और अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही वह स्वयं प्रकाश परम पुरुष अपनी अखंड ज्ञानमयी दिव्य ज्योति से सदा सर्वदा सबको प्रकाशित करता है। इसलिए वह सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप है और ऐसा दिव्य नित्य
और अनंत ज्ञानमय प्रकाश ही जिसका स्वरूप है, उसमें अविद्या या अज्ञान रूप अंधकार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जैसे सूर्य ने कभी अंधकार को देखा ही नहीं, वैसे ही उसका स्वरूप भी सदा सर्वदा अज्ञानतम से सर्वथा रहित है। बल्कि घोर रात्रि के अत्यंत अंधकार को भी जैसे सूर्य का पूर्वाभास ही नष्ट कर देता है, वैसे ही घोर विषयी पुरुष का अज्ञान भी उसके विज्ञानमय प्रकाश की उज्ज्वल किरणें पाकर नष्ट हो जाता है। इसलिए वह अविद्या से अति परे है। ऐसे शुद्ध सचिदानंद घन परमेश्वर का पुरुष को सदा स्मरण करना चाहिए। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जब भगवान का स्वरूप अचिंत्य है, उसका मन बुद्धि से चिंतन ही नहीं किया जा सकता, तब उसके स्मरण करने की बात कैसे कही गई? यह सत्य है कि अचिंत्य स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि मन बुद्धि को नहीं हो सकती है, परंतु उसके जो लक्षण यहाँ बतलाए गए हैं, इन लक्षणों से युक्त समझकर उसका बार बार स्मरण और मनन तो हो ही सकता है, और ऐसा स्मरण मनन ही स्वरूप की यथार्थ उपलब्धि में हेतु होता है, इसलिए उसके स्मरण की बात कही गई है। अपनी यात्रा को इस वीडियो में हम यहीं विराम देते हैं। हमारी आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे परम दिव्य पुरुष के साधन की विधि और फल के बारे में। यह दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपके कोई सुझाव हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और हमारी हमेशा से यही कोशिश है कि सनातन ग्रंथों का प्रचार हम इस चैनल के माध्यम से कर सकें। इस वीडियो में हम आपसे विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।